भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ रात्रि विश्राम कर रहे हैं। प्रातःकाल भोर होते समय जग करके अपना स्नान और संध्या वंदन किया। जानकी जी ने रात्रि को सपना देखा है, तो जानकी जी भगवान श्री राम को सपना सुनाती। हे स्वामी कहिए प्रिय, आज मैंने सपना देखा था। क्या सपना देखा है आपने? मैंने देखा था कि मेरे छोटे देवर भरत है ना, वो हाँ वो हमारी तरफ ही सेना लेकर आ रहे हैं और हमारी सास सफेद वस्त्रों में है। हे जानकी, सपनों कभी सत्य नहीं होते हैं। अरे लखना सपना यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है लखन। अरे बिना पूछे कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है भरत मिलने के लिए आ रहा हो। वैसे ही हृदय झरा है के कई बाकी करतूतों से, वैसे ही हृदय झरा है के कई बाकी करतूतों से, क्या तुझे राज छूटने का पूछे कोई। कर को मंत्र मन साज समाजु आए कर मकर चक्रास। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है, असहाय मन में हमको घेर पकड़ने। हे भैया लक्ष्मण, बिना जाने बिना पहचाने ऐसे शब्द मत बोलिए। जो ये होते हैं लक्ष्मण, आप ऐसे वचन मत बोलिए। हे भैया, यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, यदि लाल सुमित्रा का हूं मैं, उस लाल गर्व मिटा सका श्री राम तुम्हारी पत्नी पर क्षण भर से आय बनाज सकल समाज प्रगट कर उम्मीद पाछ। हे भैया, आप ये कह रहे हो कि वो भाई है हमारा, भाई भाई कैसा भाई, भाई जब था जब निर्मलता है पूजा, भाई तब था जब निर्मलता है आस्तीन का
शाबाश जो कभी बजाऊंगा। हे भैया लक्ष्मण, भरत हमारा भाई ही है, जरूरी नहीं कि वो युद्ध के लिए आ रहा हो, लेकिन आप ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। हे भैया, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही सच है, रण में उसको सारवा जो रघुराज का। हे भैया, भरत बहुत बलशाली है। अरे जगो भाई मगर ना कर देना भाई, हे भैया, हे भैया, आप इतने कठोर मत बनिए। भरत और शत्रुघ्न हमारे छोटे भाई हैं, अगर वो मिलने के लिए भी आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। हे भैया, भरत जब तक धर्मवान था उसको हम दबा न सकते थे, मैं क्या था लक्ष्मण भी युद्ध में उसको हराना। भगवान राम लखन को नहीं कह पाए, लेकिन आकाशवाणी के द्वारा कहा गया, क्योंकि लखन का क्रोध था, और क्रोध में ये बुद्धि बल भक्ति का नाश होता है। इस प्रकार राम ने कुछ नहीं कहा, आकाशवाणी के द्वारा खिलाया लखन सावधान, बिना विचारे जो करे तो पीछे पुरस्कार और काम बजा रहे आप लोग जगह में हो असार। भैया सोच तो और गगन वाली होती है। अरे भारत है हो ही मेरा हाथ जन्म दो और हरे हरे भगत पदम भैया लक्ष्मण। कहिए भैया। भरत को राज का कोई भी मोह नहीं, कोई भी लाभ नहीं है, वो ऐसा कभी नहीं सोच सकता, वो हमसे युद्ध के बारे में कभी नहीं सोच सकता। अरे मसक गमक मेरो राई, मसक गमक मेरो राई, अरे हो रे संग गम मच्छर की भूख से फाड़ उड़ सकते हैं और लेकिन भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे जन हो जगो जन भरत को, अरे सकल धर्म तो राधा अगर इस पृथ्वी पर भरत का जन्म नहीं होता तो धर्म का कौन निवारण करता। चले भरपति श्री रघुराई साथ निषाद नाथ लघुवा, निषाद राजा के साथ और भरत जी चित्रकूट की ओर भगवान श्री राम की कुटिया की ओर आ रहे हैं। हे भैया कितनी दूर और चलना पड़ेगा भैया के साथ। बस अब थोड़ी सी दूर, अब मंदिर बहुत करीब है भैया, भगवान सीधे चलो भैया, भगवान शीघ्र ही मिलने वाले हैं। और राम शहर छोड़ो बाहर को रखी और भर भर के भैया राम भैया। भरत जी
भगवान श्री राम के आसन की ओर आ गए हैं। वहां की शोभा को लेकर ये विषय हो गया है कि भगवान श्री राम का आसन निकट ही है और वो कुटिया की ओर जाकर के भगवान श्री राम के पास पहुंच जाता। अरे भरत आए भरत आए ओ भरत आए उठे